नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से देश और दुनिया में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा है, इसने सबके लिए संकटजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। हिंदुस्तान इस युग की सबसे बड़ी लड़ाई इस वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। कोरोना वायरस भारत में तीसरे स्टेज में ना पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास सराहनीय है। इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय था कंप्लीट लॉकडाउन, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। भारत में जब 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब वर्ल्ड मीडिया और अनेक माध्यमों से खबर आई कि देश बंद करने से कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग भुखमरी से मर जाएंगे। इस चुनौती और समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी दिशा में हम भी प्रयास कर रहे हैं। कल से हम 51 जरूरतमंद परिवारों को राशन के पैकेट वितरित करेंगे, जिसमें आटा, दाल, चावल और किचन में डेली उपयोग में आने वाली चीज़ें रहेंगी। अभी तक 204 किट तैयार किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में अगले मंगलवार से 15 अप्रैल तक डेली 51 लोगों को खाने के पैकेट दिए जाने पर हम काम कर रहे हैं। राशन की किट वितरित करने मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर नूर, जो सब लोगों को कॉमन कोल्ड, फीवर, पेन किलर और विटामिन सी की टेबलेट्स वितरित करेंगे और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के खिलाफ जागरूक करेंगे। सेवा परमो धर्म है। इस नेक काम में आप सब लोगों का योगदान व आशीर्वाद अहम है। इस वीडियो मैसेज के जरिए मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की अपनी समर्थता अनुसार सहायता करें। सब लोगों से ये मेरी विनम्र प्रार्थना है, आपके देश की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ना किससे मिलें और ना किससे मिलने जाएं। नियमित रूप से साफ सफाई रखें और बार बार हैंड वॉश करें। अपने हाथों को आंख, नाक, मुंह से स्पर्श ना करें। अगर किसी को भी बुखार, गले में खराश, खांसी या सांस लेने में असुविधा हो तो इस निसंकोच हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट करें। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, टीम खुद आएगी आपके घर। इस टाइम यूक्रेन में रह रहे हमारे भावी डॉक्टर्स के परिजन एकदम निश्चिंत रहें। हम लगातार भारतीय दूतावास और वहां के प्रशासन के संपर्क में हैं। अभी स्थिति वहां पे अंडर कंट्रोल है। यूक्रेन की सरकार और वहां के चिकित्सा मंत्री ने भारतीय दूतावास के जरिए ये भरोसा दिलाया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी संक्रमित होता है तो उसको हर संभव बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी उसको दी जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहें और डेली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। अगर किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली मुझसे, नवदीप जी से, श्रीकांत या सुमित से कॉन्टैक्ट करें। अंत में मेरे युवा साथियों से मेरी ये अपील है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को मोटिवेट करें और हर एक फैमिली से ये आग्रह करें कि वो एक जरूरतमंद फैमिली को खाना खिलाए। इस संकट की घड़ी में सब लोगों को एकजुट होकर गरीबों की सहायता करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी भूखा ना सोए। मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण उम्मीद है कि हमारा भारतवर्ष में इतनी एकता और शक्ति है कि वो किसी को भूख से तो नहीं मरने देंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।